हेलो मॉमीज एंड डैडीज, आज मैं आपको इस वीडियो में 3 मंथ ओल्ड बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी। 3 मंथ का जो बेबी होता है उसका जो वेट होता है ना, वो 30% बढ़ चुका होता है एंड उसकी हाइट भी 20% बढ़ चुकी होती है। जो उसकी पहले की हाइट और वेट होते हैं उसके कंपेरिजन में अब वेट बढ़ चुका होता है। हाँ, ये रेशियो हर बेबी में डिफरेंट डिफरेंट भी होता है, कुछ में कम और कुछ में ज्यादा भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे बेबी के डेवलपमेंट और उसके माइलस्टोन के बारे में। इस टाइम पर आप देखोगे कि आपका बेबी कुछ कुछ बोलना स्टार्ट कर रहा है, लाइक आ ऊ। इस टाइम पर आपको अपने बेबी के साथ बातें करनी चाहिए, उनसे इंटरेक्ट करना चाहिए और आप देखोगे कि आपका बेबी भी आपको रेस्पॉन्स दे रहा है आपकी बातों पर। वो आ ऊ इस टाइप की आवाज कर रहा है। 3 मंथ्स का जो बेबी होता है वो टच को बहुत स्ट्रांगली फील करने लग जाता है। इस टाइम पर हमें हमारी बेबी को स्किन टू स्किन टच देना चाहिए। इवन वो हमारे टच पर रेस्पॉन्स भी करते हैं कि ये टच जो हम उसे दे रहे हैं वो आरामदायक है उसके लिए या फिर अनकम्फर्टेबल वाला टच है। इस टाइम पर क्या होता है, बेबी है ना, फोकस करना स्टार्ट कर देता है। आप उसके पास टॉयज लेके जाओगे या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी चीज को देख के वो उसके ऊपर फोकस करेगा। अब बच्चों की आईज जो होती है एक जगह रुकना स्टार्ट हो जाती है। इस टाइम पर बेबी इजीली अपने हैंड को माउथ तक ले जाते हैं। इवन आप देखोगे कि आपका बेबी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा थम सकिंग या फिर फिंगर सकिंग करना स्टार्ट कर दिया है। ये फिंगर सकिंग या थम सकिंग बिल्कुल नॉर्मल है, ये उनकी ग्रोथ का ही इस टाइम पर एक पार्ट होता है। इस टाइम पर आपको अपने बेबी को टम्मी टाइम देना ज़्यादा स्टार्ट कर देना है और आप नोटिस करोगी आपका बेबी अपने शोल्डर्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट भी कर रहा है, क्योंकि उसका हेड और नेक का बैलेंस बनना भी स्टार्ट हो चुका है। इवन वो इजीली अपने हेड को ऊपर की तरफ 90 डिग्री के एंगल पर कर सकता है। इस टाइम पर हम हमारे बेबी को बैठाना भी शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने बेबी को अपनी गोद में बिठाओगे या फिर किसी सपोर्ट के थ्रू बैठाओगे तो बेबी अपने हेड को होल्ड कर लेगा, यानी कि बेबी का जो हेड है वो इजीली बैलेंस बनाने लग जाएगा। इस टाइम पर हमारा बेबी बहुत अच्छे से फोकस करना स्टार्ट कर देता है और उसकी जो क्रॉस आई की प्रॉब्लम होती है वो भी अब बंद हो चुकी होती है। फॉर एग्जांपल, आप अपने बेबी के पास कोई भी टॉयज लेके जाओगे तो आप देखोगे कि वो इजीली देख रहा है, उसकी आईज क्रॉस नहीं हो रही है। जबकि पहले क्या होता था, हम हमारे बेबी के फेस के पास कोई भी टॉयज लेके जाते थे तो उसकी आईज क्रॉस हो जाती थी। तो इस वक्त हमारे बेबी का जो फोकस होता है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है। इस टाइम पर हमारे बेबी का जो हैंड मूवमेंट होता है और लेग मूवमेंट होता है वो पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा होने लग जाता है और बेबी इस टाइम को अपने आप एंजॉय करना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पर बेबी टॉयज को या फिर कोई भी चीज़ आप उन्हें दोगे उसे अच्छे से पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इवन कभी कभी वो उस चीज़ को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हैं और माउथ तक भी ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।